स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष नियोक्ता अवकाश। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर वाई पी सिंह ऑफ एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। यह एजुकेशनल वीडियो केवल जनरल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत सरकार के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस व लॉस को ही मान्य किया जावे। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड, किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आधिकारिक कर्तव्यों के नियत प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप चोट पहुंची हो या जानबूझकर चोट पहुंचाई गई हो। इस तरह का अवकाश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि विकलांगता घटना के 3 माह के भीतर प्रकट ना हुई हो और व्यक्ति इसे नोटिस में ना लाया हो, बशर्ते कि प्राधिकारी विकलांगता के कारण संतुष्ट हो तो यह घटना के 3 माह के बाद भी अवकाश स्वीकृत कर सकता है। किसी भी स्थिति में अवकाश 24 माह से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विशेष नियोक्ता अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि विकलांगता बढ़ जाती है या पुनः हो जाती है तो विशेष विकलांगता अवकाश 1 बार से अधिक भी दिया जा सकता है, लेकिन 24 माह से अधिक के लिए नहीं। विशेष विकलांगता अवकाश पेंशन के लिए सेवा की गणना में कर्तव्य के रूप में गिना जाएगा और अवकाश खाते से विकलित नहीं किया जाएगा। पहले 120 दिनों के लिए अवकाश वेतन अर्जित अवकाश के रूप में होगा, शेष अवधि के लिए अवकाश वेतन अर्ध वेतन अवकाश के रूप में होगा। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी, किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आधिकारिक कर्तव्यों के नियत प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप चोट पहुंची हो। एक अधिकृत चिकित्सा प्राधिकरण को यह प्रमाणित करना होगा कि विकलांगता पदीय कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान घटित हुई है। विशेष विकलांगता अवकाश को अवकाश वेतन के रूप में 120 दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा जैसा कि अर्जित अवकाश में होता है। इस वीडियो में हमने स्पेशल डिसेबिलिटी लीव को समझा। यदि आपके कोई सजेशंस हों तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कॉन्टेक्ट करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।